सॉरी यार, आपने बहुत देर कर दी है। ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे जिंदा रह सकेगा। सीरियस हालत है। गाइज, ये जो हमारा छोटा भरा ये यार काफी ज्यादा बीमार था, इसलिए डॉक्टर साहब भी चेक करवाया है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये जो है काफी ज्यादा बीमार है और ये कुछ घंटे का जो मेहमान। अस्सलाम वालेकुम गाइज, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठाक होंगे, खैरियत होंगे। अच्छा गाइज, आज जो है मैं काफी ज्यादा सैड हूँ कि यार मेरी जो बकरियां है वो बिल्कुल भी चारा नहीं खा रही और काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। कुछ ही दिनों में, यानी कि तकरीबन ज्यादा से ज्यादा भी जो है ना 10-15 दिन में इतनी ज्यादा कमजोर हुई है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो गाइज, क्या आप जितने भी दोस्त जिन्होंने बकरियां रखी हुई हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सीन हुआ है तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। और अच्छा गाइज, मुझे एक और मैंने आप सवाल पूछना था कि अगर आपकी बकरियां चारा नहीं खा रही तो आप उनको खुराक यानी कि कौन सी मेडिसिन या कोई देसी अदवियात वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आपने ना यार मुझे लाजमी नीचे कमेंट में बताना है कि भी आप ये ट्राई करो, इसे जो है ना बकरियां अच्छा चारा खा सके। अच्छा गाइज, मैं आपको एक बार जो है वो बकरियां भी दिखा देता हूँ, तो आपने यार कमेंट में लाजमी बताना है कि आपने बकरियां रखी हुई हैं तो आपने कितनी बकरियां रखी हैं और आपकी जो बकरियां हैं वो चारा ठीक करती हैं या नहीं। तो गाइज, मैं जल्दी से जो आपको दिखाता हूं बकरियां, तो गाइज ये देखे माशाल्लाह से। अच्छा गाइज, जब मैं ये बकरी लेके आया था इसकी सेहत माशाल्लाह अच्छी खासी थी। और ये देखें बिल्कुल गाइज जो है ये ढांचा बनी हुई है हड्डियों का, ये चेक करें। और ये फिर भी गाइज कुछ सेहत में है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी सेहत नहीं कहा जा सकता इसको। और ये चेक करें बकरी, ये चेक करें गाइज बकरा है, माशाल्लाह से बकरा प्यारा है, लेकिन चेक करें इसकी जो सेहत है बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखें चारा खुरलियों में पड़ा हुआ है, ये गाइस आपको नजर आ रहा होगा चारा खुरलियों में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ना बकरियां चारा नहीं खा रही। ये देखें गाइस, तो ये गाइस बकरियां हैं। उसके बाद एक ब्रीडर भी है, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ब्रीडर भी यार काफी ज्यादा कमजोर है, वो चारा भी गाइस करता है लेकिन बस बहुत कम जो है वो चारा करता है और काफी ज्यादा जो है वो कमजोर भी है। तो यार देखा आपने कैसी जो बकरियों की हालत हो गई, तो आपने यार कमेंट में मुझे लाजमी से बताना है कि आपकी बकरियां जो है वो चारा ठीक कर रही हैं कि नहीं कर रही। ये देखे गाइस, ये माशाल्लाह से ब्रीडर है और इसकी सेहत देख, चारा फिलहाल जो है खा रहा है लेकिन देखे कितना जो है ये कमजोर हो गया। आज से तकरीबन 15 दिन पहले इसकी हालत कुछ ठीक थी, लेकिन अभी जो फिलहाल है यार ये काफी कमजोर हो गया। मैंने डॉक्टर को भी कॉल की थी लेकिन डॉक्टर जो है अभी तक नहीं आया। हम जो है डॉक्टर को एक बार फिर से कॉल करते हैं, तो मैं आपके सामने एक बार डॉक्टर को कॉल करता हूँ। गाइस, एक जो मेरी बकरी है वो इस वक्त ना काफी ज्यादा बीमार भी है, उसका भी चेकअप करवाना है। तो यार उसकी भी काफी टेंशन लगी हुई है क्योंकि काफी ज्यादा बीमार थी बकरी, तो वो भी आपको चेक करवाता हूँ कि कौन सी बकरी जो बीमार है, तो डॉक्टर साहब को उसका जो है चेकअप भी करवाएंगे। तो गाइस डॉक्टर साहब का जो नंबर नहीं मिल रहा, मैं 2-3 बार जो है ट्राई करता हूँ, कॉल जा रही है। गाइस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपको कॉल की थी, आप आए नहीं यार अभी तक। जी जी पहुँच रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। हाँ यार जल्दी पहुँच। जी जी पहुँच बस। तो गाइस डॉक्टर साहब जो है वो आ रहे हैं, तो उस उतनी देर जो है ये देखें एक और मैं आपको एक डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो आ जाएं डॉक्टर साहब। गाइस ये हमारे माशाल्लाह डॉक्टर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील, कैसे हो? ठीक हो? जी ठीक ठाक डॉक्टर साहब, आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं काफी देर से आपको कॉल करने बस की ट्राई कर, थोड़ा सा रास्ता मुझे लेट। नहीं आपके नंबर पे कॉल भी नहीं जा रही, बस नेटवर्क का कोई इशू होगा। वैसे तो कॉल आई है, फर्स्ट कॉल आई है, मैंने पिक कर लिया। आप चलिए कॉल जा ही नहीं रहे। नहीं, चले। अच्छा गाइस डॉक्टर साहब आ गए, बकरियाँ चेकअप करवाते हैं, तो इन सब बकरियों का जो है हम ट्रीटमेंट करवाते हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब वो उधर दरवाजा है। गाइस जो बकरियां है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई हैं। जी ये वाला ये दरवाजा गाइस बंद कर दे, वरना जो बकरियां हैं वो बाहर निकल जाएंगी। तो डॉक्टर साहब आ गए। तो डॉक्टर साहब ये देखे यार, कोई भी बकरी जो है इनमें से अच्छी तरह जो चारा नहीं कर रही, ये देखे अब कितनी ज्यादा जो बकरी है कमजोर हो गई। नहीं, वो कौन सी बकरी है जिसने बिल्कुल फीडिंग ऑफ की हुई? यही बकरी है। अच्छा, ये वाली सुबह चारा किया है इसने? नहीं, आपके सामने ये देखे खुरली में चारा पड़ा हुआ है लेकिन जो है चारा नहीं खा रही बिल्कुल। ये तो ताजा चारा नहीं है ना? या नहीं, ताजा डॉक्टर साहब ये चेक करें, बिल्कुल ताजा चारा है। अच्छा, इसने रात फीडिंग की थी? नहीं, रात भी नहीं की, इसलिए अच्छा, तो ये काफी ज्यादा कमजोर हुई। रात में पहले बताना। सही सही। तो इसने पेशाब किया? नहीं, पेशाब नहीं किया। सही। काफी ज्यादा डॉक्टर साहब इसकी जो मुझे हालत है वो कमजोर लग रही है। कोई मसला नहीं, टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं इसका, अभी हो जाता है। तो गाइज फिलहाल जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसका टेम्परेचर चेक करते हैं, तो टेम्परेचर चेक करने के बाद जो है आपको दिखाते हैं कि क्या इसका टेम्परेचर तो नहीं कहीं अप डाउन। ये डॉक्टर साहब का बैग है। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है टेम्परेचर का मसला होगा इसको? नहीं, अभी चेक कर लेते हैं ना, सारी फिजियोथेरापी करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आगे ट्रीटमेंट करेंगे।
जी मैंने ना इसका वो टेम्परेचर वगैरह चेक कर लिया, फिजियोथेरेपी भी की है, वो बिल्कुल ठीक है। इसको आज गर्मी में रखा गया है जहाँ तक मेरा अंदाजा कह रहा है तजर्बा ना, तो वो जो आपका बंदा फार्म मैनेज कर रहा है उसको बुलाएं जरा। तो गाइस डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो बंदा आपका फार्म मैनेज करता है उसको बुलाएं, तो मैं जल्दी से उसको कॉल करता हूँ। वो बंदा गाइस कोई और नहीं, मेरा अपना ही छोटा भाई है, तो मैं उसको फिलहाल कॉल करता हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब ने उससे कोई थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है ताकि जो है ट्रीटमेंट में आसानी है। तो ये देखे गाइस सब जो बकरियाँ हैं वो बिखरी पड़ी हैं, कोई भी इनमें से जो है चारा नहीं कर रही। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, हमाद किधर हो? अच्छा इधर आओ फार्म की तरफ, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं आप। डॉक्टर साहब मैंने कॉल कर दिया, ठीक है वो आ गया हमाद। आ गया गाइस हमाद भी जो ये फार्म मैनेज करता है। क्या हुआ इस बकरी को? नहीं सुबह चारा किया था इसने, सुबह इसने चारा किया, बाकी बकरियां सारी वो सारी अंदर चली गई हैं, छाव में मेरे ख्याल से बाहर रहेगी। नहीं ये तो बंदी पड़ी है ना सुबह, मुझे याद नहीं रहा ना इधर। अच्छा यार ये तो आपकी गलती है ना हमाद। तो ये चारा भी आपकी खुरलियाँ बहुत गंदी है, ये देखे ना इसमें मेंगने भी पड़ी है, तो ये साफ जब साफ सुथराई नहीं होगी तो फिर आपके जानवर बीमार होंगे। ये चीजें नोट करना आपका काम है, सही है? आप फीडिंग इनकी दुरुस्त करें ये जो चारा है, ठीक है? उसके बाद इस बकरी को ना आप ग्लूकोज देंगे पानी में मिक्स करके ना, तो बाकी ट्रीटमेंट जो है हम करते हैं इंशाल्लाह, तो ये जल्दी ठीक हो जाए। तो गाइस फिलहाल जो है डॉक्टर साहब इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आप इनको कौन सी मेडिसिन देने वाले हैं आप, क्योंकि चारे के लिए भी इनको मेडिसिन देनी है कोई? किस बकरियां? नहीं नहीं वो जो आप बता रहे थे ना कि आपकी बकरियां सारी चारा करती हैं लेकिन मोटी नहीं हो रही, सही है? तो उसके मुतलक बात करते हैं जी। गाइस इस बकरी का ट्रीटमेंट हो चुका है, ठीक है? वो हमाद भाई को मैंने बताया कि ग्लूकोज देना है आपने ना पानी में करके, और इसका धूप छांव का अच्छी तरह ख्याल रखना है, और शाम को इसको नहलाना है, अभी तो धूप काफी है, और इनकी फीडिंग बिल्कुल ठीक करें चारा ना जो आपका है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, जानवर किसी भी चीज से अगर मुतासिर होता है ना कोई गलत चीज से तो वो बहुत ज्यादा जानवर की सेहत पे इफेक्ट करती है, तो उससे आपको लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, आपका जानवर डेड भी हो सकता है। तो यार ये तो डॉक्टर साहब ने काफी टेंशन वाली बात बता दी। तो डॉक्टर साहब यार इनको मसला ये है कि चारा, ये देखे ना चारा इन्होंने खुरलियां साफ की है, और ये डॉक्टर साहब अगर आपको नजर आ रहा हो चारा काफी ज्यादा पड़ा है, लेकिन इतना चारा खाने के बावजूद जो है बकरियां बिल्कुल भी मोटी नहीं हो रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते? नहीं देखें एक तो वो तो आपकी बकरी बीमार है ना, ठीक है ये तो चलो तो बीमार है, उसके अलावा बाकी आपकी बकरियां सारा चारा यानी कि सही कर रही हैं सारी बकरियां? जी जी डॉक्टर साहब चारा अच्छा कर रही हैं। तो पानी वगैरह ठीक पीती हैं? जी जी पानी। अच्छा आपने कभी इसकी डिवर्मिंग करवाई है बकरियों की? डिवर्मिंग? ये खाती है, डिवर्मिंग क्या होता है मतलब? नहीं इनको कोई दवाई वगैरह कभी पिलाई है, कभी कोई इंजेक्शन सबगढ़ लगवाया और जीरे जिल्द आपने अपनी बकरियों को? नहीं डॉक्टर साहब ऐसा हमें तो कोई आइडिया नहीं है। नहीं किसी डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि पेट के कीड़ों की दवाई पिलवा ले? नहीं डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं। फिर आप ना अपनी बकरियों को, क्योंकि आपकी कभी किसी बकरी का कोई इशू आ रहा है, कभी किसी बकरी का कोई इशू आ रहा है, तो आप अपनी बकरियों को ना एक दफा डिवर्मिंग जरूर करवाएं। तो ये होता क्या है डॉक्टर साहब? डिवर्मिंग दरअसल ये होता है कि जानवर के जो पेट के कीड़ों के लिए दवाई कहा जाता है, जो ज्यादातर हमारे इधर मशहूर है कि पेट के कीड़ों की दवाई पिलवा लेना, तो इससे ये होता है कि आपके जानवर जो खुराक खाएंगे वो इंशाल्लाह आपके जानवरों को लगेगी, ठीक है? आपके जानवर मोटे होंगे, ठीक है ना? खुराक को इसके लिए जो डिवर्मिंग करनी है उसके लिए कौन कौन सी? जी जी इंशाल्लाह बकरियों की करते हैं ना डिवर्मिंग। डिवर्मर बहुत मुख्तलिफ तरह के होते हैं, आप अपने यानी के जिस इलाके में रह रहे हैं जिस तरह की आपको बकरियों की डिवर्मिंग की जरूरत है, तो आप अपने वहां मुतलका डॉक्टर से तजवीज करवा सकते हैं। डिवर्मिंग ब्रांड नेम तो काफी सारे हैं, ऑस्कर है, निल्जान प्लस है, पंच है, एडवाइजर है और काफी सारे ना ब्रांड नेम होते हैं, लेकिन आपकी बकरियों को किस डिवर्मर की जरूरत है ये आप अपने मुतलका डॉक्टर से पूछ के फिर दे सकते हैं, ठीक है? अपने जानवरों को जो बेशक गायें हैं भेड़ बकरियां सबको हर 2 से 3 मंथ बाद डिवर्मिंग जरूर करवाया करें। दरअसल डिवर्मिंग का मकसद यही होता है कि जानवरों के पेट की कीड़ों की दवाई होती है ये, ठीक है? उनको पिलाई जाती है, तो डिवर्मिंग इंटरनल पैरासाइट के खिलाफ होती है जो कि इनका खात्मा करती है, इंटरनल पैरासाइट होते हैं तो उनके खिलाफ ये दवाई दी जाती है, तो इस दवाई से वो कीड़े मर जाते हैं इंटरनल पैरासाइट जो होते हैं, तो उसके बाद आपके जानवर जो भी खुराक खाते हैं इनको लगती है और मोटे ताजे हो जाते हैं। लिहाजा अगर आपने भी अपने जानवरों की काफी अरसा हो गया 3-4 मंथ से ज्यादा 2 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं, तो आप भी अपने जानवरों को जरूर डॉक्टर से तजवीज करवा के डिवर्मिंग जरूर करवाएं अपने जानवर। तो
गाइस जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, यकीन करें कि मैंने आज से पहले कभी भी डीप वर्मिंग तो मुझे नहीं पता क्या होता है, ना मैंने कभी पहले सुना है, ठीक है। तो अगर यार आपके पास भी बकरियां हैं और आपने डीप वर्मिंग करवाई है तो आपने कमेंट में लाजमी से बताना है। और इसके अलावा गाइज अगर आप बकरियों के कोई और उन्हें मेडिसिन दे रहे हैं या फिर कोई देसी दवाई दे रहे हैं चारे के लिए, अगर आपकी बकरियाँ चारा नहीं करती तो वो भी आपने कमेंट में लाजमी से बताना है, ताकि जो है मैं इन अपनी बकरियों को वो देसी दवाई भी साथ साथ दे सकूं। और गाइस इसके अलावा अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो या मुझे आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो जल्दी से गाइस डॉक्टर को कहते हैं कि जो इनकी डिवर्मिंग है वो स्टार्ट करें, और आपको जिन दोस्तों को नहीं पता डिवर्मिंग का चले उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डिवर्मिंग के रिलेटेड। तो जल्दी से जो है डॉक्टर साहब को कहते हैं, डॉक्टर साहब डिवर्मिंग स्टार्ट, डिवर्मिंग इंशाल्लाह मंगवाते हैं मेडिकल स्टोर से, तो फिर इंशाल्लाह अभी करके थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो जाएगा, करके फिर ही जाएंगे इंशाल्लाह, आपके जानवरों का मुकम्मल काम करके जाएंगे। जी ऐसे मैंने आज आपको जाने भी नहीं देना, नहीं नहीं इंशाल्लाह काम करके आपके जानवरों का फिर ही जाते हैं। तो गाइज मैं जो है फिलहाल हमाद को कॉल करके कह देता हूँ। तो डॉक्टर साहब कौन कौन सी चीज मंगवानी है वो मैं उसको बता देता हूँ, हमाद इधर ही है। चले गाइज डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो खुद हमाद को बता देते हैं, क्योंकि यार मुझे तो समझ नहीं आनी आपको सीधी बात बताऊं। तो फिलहाल डॉक्टर साहब खुद ही हमाद को कहेंगे, और जो भी मेडिसिन लानी है या डिवर्मिंग में जो जो चीज भी इस्तेमाल होनी है वो डॉक्टर साहब हमाद को बता देंगे और वो खुद जाके ले आए। तो गाइज वेट करते हैं फिलहाल जो है उन मेडिसिन का, तो इंशाल्लाह उसके बाद आपके साथ जो व्लॉग है वो कंटिन्यू कर। तो गाइज आई थिंक जो हमारी डिवर्मिंग है वो आ गई है, तो ये डॉक्टर साहब ले आए हैं। तो डॉक्टर साहब ये क्या क्या चीज है इसमें? मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसमें निलजान होता है, ठीक है, ऑस्कर होता है, और भी काफी डिवर्मर है जो कि आप यूज करवा सकते हैं, लेकिन हम ये इस्तेमाल करेंगे डिवर्मिंग में आज। इसके बाद है हमारे पास कार्मिनेट मिक्सचर ना, तो ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये कार्मिनेट मिक्सचर है, ये डिवर्मिंग में यूज होता है। जी जी ठीक है। ये हमारे पास सिरिंज है 50 ml की, क्योंकि ड्रिंचर है नहीं फिलहाल, तो ड्रिंचर भी मंगवाएंगे हम जमील साहब से, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जब भी डिवर्मिंग करेंगे ड्रिंचर से करेंगे, लेकिन फिलहाल ये सस्ता और स्मार्ट जो होता है ना नुस्खा वो है कि हम सिरिंज के साथ करेंगे, ये 50 ml की है तो इनसे इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ना बोतलों से करते हैं बकरियों की डिवर्मिंग, तो वो बोतलों से नहीं करनी चाहिए ना, उससे वो ड्रिंचिंग हो जाती है जानवरों को, तो जिसमें वो सांस वाली नाली से दवाई जो भी आप लाने वाली यूज करते हैं वो चली जाती है, तो जिससे जानवर का डेड होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो लिहाजा आप ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल ना करें या ऐसे कोई भी जुगाड़ ना लगाया करें जिससे जानवर आपके डेड हो, क्योंकि ये बेजबान होते हैं, इनको किसी भी किस्म की हमें तकलीफ नहीं देनी चाहिए, तो इनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जालिम भी होते हैं जो अपने जानवरों के साथ जुल्म करते हैं अपने फायदे के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ये डॉक्टर साहब की बात मुझे काफी पसंद आई यार, कि जो बेजुबान जानवर है उसके साथ जो है जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर अल्लाह पाक के पास जाके वो भी तो हिसाब देना है। तो डॉक्टर साहब ये एक और चीज है, ये है सोडा बाइकार्ब ना, तो ये वैसे हम यूज नहीं करेंगे, इसमें अगर कोई करना चाहे ये भी कर सकते हैं। ज्यादातर जो डिवर्मर होते हैं ना वो जैसे कि आप पंच लेंगे या निलजान लेंगे कोई भी लेंगे ना, वो गुड़ के शरबत में दिया जाता है, सही है, कोई लस्सी में देते हैं, कोई पानी में देते हैं, कोई वैसी दवाई पिला देते हैं, तो हर बंदा यानी कि अपने हिसाब से देता है। ये कार्मिनेट मिक्सर और डिवर्मर मिक्स करके ना, तो इंशाल्लाह इसका अच्छा रिजल्ट आएगा, और पहले भी काफी दफा दी है तो अच्छा रिजल्ट आया और जानवर। डॉक्टर साहब ये वैसे बेस्ट टाइम कौन सा है डिवर्मिंग करने का, ये भी थोड़ा सा गाइस को इन्फॉर्म दे दे। ये सुबह या शाम, तो अगर आपके जानवर खाली पेट हो तो ज्यादा भी अच्छा, तो अगर दोपहर को कर दे तो उसका कोई नुकसान हो? गर्मी होती है ना, जानवर जुगाली कर रहा होता है, अगर आपके जानवर खाली पेट है तो सबसे बेस्ट। डॉक्टर साहब हो गया डिवर्मिंग? जी डिवर्मर तैयार हो गया। तैयार हो गया, अच्छा। ये गाइस हमारा फार्मर, इसको वाश करके दूसरी बार वाश करो। तो गाइस फिलहाल जो है पहली बकरी की डिवर्मिंग हो गई है, तो गाइस अभी इस बकरी की जो है डिवर्मिंग कर रहे हैं। आपसे पूछते हैं कि जो डिवर्मिंग का असर है वो कब शुरू होगा, और दोबारा जो अगर डिवर्मिंग दोबारा करवानी है तो वो कितनी देर बाद करवानी पड़ेगी? देखिए जी डिवर्मिंग का असर तो अभी दे दी है, डिवर्मिंग का असर शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह ये आपको ना जल्दी देखने को मिलेगा कि आपका जानवर चारा भी करेगा और जो खाएगा ये इसको लगेगा अभी मोटा ताज़ा हो जाएगा। आपकी भी गाय चारा नहीं कर रही तो अभी फिलहाल बेस्ट मौसम है डिवर्मिंग करवाने का। अच्छा जो डॉक्टर साहब कह रहे थे डिवर्मिंग करवाने का जो बेस्ट टाइम है वो या तो आप सुबह में करवाएं या फिर शाम को करवाएं डिवर्मिंग, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट होगा तो उस वक्त भी डिवर्मिंग का अच्छा असर होगा, और उसके बाद अगर शाम को यानी कि
रात में जब रात होगी उस वक्त भी आप जो है डिवर्मिंग करवा सकते हैं, ताकि जानवर रात को चारा नहीं खाएगा, सुबह तक उसको अच्छी तरह से भूख लग जाएगी और वो चारा जो है उसके बाद पेट भर के खाएगा। तो गाइज माशाल्लाह से जो बकरियों ने अभी चारा खाना शुरू कर दिया, ये देखें माशाल्लाह अभी सारी बकरियां चारा खा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अभी जो है बकरियां सारी अच्छी तरह से चारा करेंगी और इनको जो ये चारा करेंगी वो इनको जो है अच्छी तरह से लगेगा भी। तो गाइज उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको यार इस तरह के व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी और व्लॉग में, तो तब के लिए दें हमें इजाजत। अल्लाह।